फैमिली कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड हेल्दी होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना हेयर केयर एंड स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी जो मैं डेली करती हूँ, डेली नहीं वीकली करती हूँ। एंड आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अभी करीबन 11 बज रहे हैं एंड जो हमारे डेली रूटीन जो होता है किचन का एंड घर का वो कम्प्लीट हो चुका है। तो अभी मैं नहाने जाने वाली हूँ एंड उससे पहले जो भी मैं अपना स्किन केयर करती हूँ वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं ये जो मिक्सअप की हूँ इस प्रोडक्ट को मैं अपने फेस में लगा लूँगी एंड ये जो हाफ टमाटर था इसको मैं इससे रब करूँगी। इससे क्या होगा कि जो भी डेड सेल होंगे ना वो सब निकल जाएंगे एंड जो भी डार्क स्पॉट्स होती हैं एंड जो भी धूप से टैन हो गया रहता है हमारी स्किन में उन सबको ये रिमूव कर देगा। बिकॉज इसमें जो है एंटी ऑक्सीडेंट होता है ये सब हमारी स्किन को क्लियर करने में हमारी हेल्प करता है। तो चलिए मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ एंड देन आपसे। सो फ्रेंड्स, इसको मैं सूखने के लिए दूंगी 10 या 15 मिनट क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा एंड देन मैं इसे ठंडे पानी से वॉश कर लूँगी। बहुत ही जेंटली आपको वॉश करना है, आपको इसको ज़्यादा रब नहीं करना है अदरवाइज़ आपकी स्किन जो है वो उसमें रैसेस आ जाएंगे क्योंकि हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है खासकर हमारी फेस की स्किन। तो हमें इसे ज़्यादा रब नहीं करना है, बहुत ही मतलब सेंसिटिवली हमें अपने हाथों से सॉफ्टली इसको ठंडे पानी से वॉश करना है एंड देन जो सॉफ्ट कॉटन कपड़ा होता है उससे हमें अपने चेहरे को डैप डैप करके पोंछ लेना है एंड देन अपने जो स्किन केयर रूटीन होती है जैसे कि जो हमें मतलब स्किन टोनर लगाना रहता है एंड देन मॉइस्चराइजर वो हमें अप्लाई कर लेना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ फेस मास्क यूज़ कर लेने के बाद मैं अपने हेयर के लिए भी एक मास्क बना के रखी हुई थी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था ना कि जो मेथी के पाउडर होते हैं जिसको अगर आपको अप्लाई करना है तो रात को ही आप उसे अपने बालों के अकॉर्डिंग जितना क्वांटिटी में आपको चाहिए रात को भीगने दे दीजिए एंड सुबह आप उसे अप्लाई कर लीजिए। तो मैंने भी यहाँ पे वही किया हुआ था, मेरे बाल कम है क्वांटिटी में तो मैंने 2 चम्मच दिया हुआ था छोटे चम्मच में एंड देखिए वो फुल के इतना एक कटोरा हो गया था पूरा। तो फिर मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी अपने बालों में। ऐसे चाहे तो आप जो मेथी के दाने होते हैं ना गोल गोटे वाले उनको आप रात को भिगा के सुबह को पीस के उसे अप्लाई कर सकते हैं आप उसे ग्राइंडर करके, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, उससे आपको उसका 100% बेनिफिशियल मिलेगा। बट अगर आपके पास वो नहीं है तो आप ये पाउडर भी यूज कर सकती है, ये पाउडर आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। देखिए, बाल हमारे जितने भी क्यों ना हो उन्हीं बालों की जो क्वांटिटी होती है ना उन्हें बरकरार रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हमारे बाल अच्छे नहीं हैं तो हम उन्हें ऐसे ही रूखा सूखा छोड़ दें। हमें जितना है उसी को अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए एंड जितना देर में मैंने अपने बालों में मास्क लगा लिया तब तक मेरा जो फेस मास्क है वो सूख चुका था बिकॉज़ अभी गर्मी का मौसम है एंड फैन भी चल रहा था। तो मैंने एक टमाटर जो रखा हुआ था जिससे कि मैं पूरे फेस में स्क्रब करने वाली थी उससे मैं स्क्रब कर लूँगी। आपको मतलब जेंटली करना है अदरवाइज़ आपकी स्किन में रैसेस भी पड़ सकती है एंड जिस एरिया में आपके ज़्यादा ब्लैक हेड्स है उस एरिया में आप थोड़े ज़्यादा रब कर सकती हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे जितना देर भी स्क्रब किया उसी से मेरे फेस में थोड़ा ग्लो आना शुरू हो गया था बिकॉज़ अभी गर्मी का मौसम है, हम धूप में निकलते हैं तो हमारे स्किन में टैन हो जाती है। तो ये टमाटर जो है ना इसमें विटामिन सी रहता है जिस वजह से ये उन्हें मतलब रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है एंड जो मैंने मास्क बनाया था उससे हमारी जो डेड स्किन होती है वो सभी रिमूव हो जाती है जब हम उसे मसाज करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे नहा के आ गई थी एंड
मैं यहाँ पे टोनर लेती हूँ। टोनर हमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, ये जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं ना उन्हें मतलब क्लोज़ करने में हमारी हेल्प करता है। तो मैं यहाँ पे रोज़ ग्लो का टोनर ले ली थी, एंड टोनर लेने के बाद मैंने उसे कॉटन से रफ़ कर लिया था, पोंछ लिया था। इससे जो थोड़े बहुत भी डस्ट हमारे स्किन में रह जाते हैं ना वो भी रिमूव हो जाते हैं। एंड मॉइस्चराइज़र के लिए आप कुछ भी अप्लाई कर सकती हूँ, मैं तो सिंपल जो बॉडी लोशन होता है वैसलिन का उसको ही अप्लाई कर लेती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ये अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी जो मतलब थिकनेस होती है वो मुझे मतलब ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रहता और ज़्यादा लिक्विड भी नहीं रहता है। एंड थोड़ा सा आप लगा लीजिए तो पूरा दिन के लिए आपका फेस रेडी रहेगा। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे मेरा बेटा को नहा दिया था, बिकॉज़ टाइम ओवर हो जा रहा था, अभी आई थिंक 11:30 ऐसा कुछ बज रहा था, तो उसका सोने का टाइम हो जा रहा था, इसीलिए आज मैंने उसे नहला दिया। ऐसे तो उसका तबीयत ख़राब था बट 3-4 दिन हो गए थे, इसीलिए आज मैंने उसे नहलाना ज़रूरी समझा, क्योंकि आज कल से वो ठीक था एंड उसको भी गर्मी लगती हुई, तो मैंने उसको नहला दिया। एंड यहाँ पर ना वो तेल नहीं लगा रहा था, तो मैंने थोड़ा सा एक्टिंग किया रोने के लिए। एंड पता है मतलब जब भी मैं ऐसा करती हूँ ना, तो इतना छोटा बच्चा है स्टिल वो इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करता है, मतलब उसको कुछ भी चीज़ जो पसंद है उसको छोड़ के वो मेरी चीज़ों को मानना शुरू कर देता है। कि फिर जैसे यहाँ पे उसको था कि जब वो देख लिया कि फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो उसको था कि मम्मी मुझे फ़ोन देखना है, एंड वो रो रहा था। और जैसे मैंने रोना एक्टिंग शुरू कर दिया रोने का, तो वो फिर कहने लगा कि मम्मी मुझे तेल लगाना है, मुझे तेल लगाना है। मतलब मैं सोच सोच के इतनी इमोशनल हो जा रही थी कि मतलब इतना छोटा बच्चा और वो मेरी बातों को मानने के लिए इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। ओह माय गॉड, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। एंड यहाँ पे मैंने उसको तेल लगा दिया, एंड उसके बाद मैंने उसको कपड़ा पहना दिया, और अब उसको सोने का था, तो फिर वो बोल रहा था कि मम्मी मुझे सोना है, वो मुझे नहीं छोड़ रहा था। एंड मैंने उसको सुला दिया, अभी वो नहा धोवा लिया है, तो 1.5-2 घंटे आराम से वो सो जाएगा अगर कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा तो। एंड अगर फैन, मेरा रूम क्या होता है कि सबसे अंदर है, मतलब खिड़की उड़की नहीं है, तो गर्म हवा रूम में एंटर नहीं कर पाता है, तो अभी 3-4 बजे तक रूम ठंडा ही रहता है। उसके बाद वो फिर हीट होना शुरू हो जाता है जब छत का टेम्परेचर नीचे आना शुरू होता है तो। एंड मैंने यहाँ पे इसको कपड़ा पहना दिया था और अब ये सो जाएगा। मैं इसको सुला देती हूँ, और इसके बाद फिर मैं थोड़े से रूम को अरेंज करके और ख़ुद भी मैं थोड़ी सी फ्रेश हो जाती हूँ, बिकॉज़ मैं आज का जो मेरा डे था ना, ये मतलब रेस्ट एंड प्रोडक्टिव डे था मेरे लिए। मैं आज खुद के ऊपर बहुत टाइम दे रही थी। एंड फिर मैंने यहाँ पे मेरे बाल 40% सूख चुके थे, तो मैं वहाँ पे ऐसे ही सिंपली हाथों से क्लेचर लगा ले रही थी। मेरा बेटा यहाँ पे सो गया था, उसको मैंने सुला दिया था। एंड देन मैंने एक केला खाया और फिर थोड़ा सा कुछ सोच रही थी, एंड देन फिर मैं भी सोचा कि चलो मैं भी, वो सोया तो मैं भी उसके साथ सो लेती हूँ, फिर वो जाग जाएगा ना तो मैं सोने नहीं सकूँगी। और अभी गर्मी का मौसम है तो हमें 1 से 2 घंटे ज़रूर नींद लेनी चाहिए, तो उसके साथ अभी मैं भी यहाँ पे सो जाती हूँ। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।